पुनन्तो मनसाधिया पुरन्तु विश्वभूतानि जात वेद पुनीहिमा जात वेद पुनीहिमा ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो पूर्वजों के भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो पूर्वजों के भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो ओम शांति शांति शांति। युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज चरक सुश्रुत धन्वंतरी और ऋषियों के ज्ञान को निरंतर जन जन तक पहुंचाने वाले आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ हमारे बहुत ही यशस्वी पूरे राज्य का जो मार्गदर्शन करते हैं आदरणीय समंदर सिंह जी आदरणीय हमारे करुणाराम जी एक बार जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए। हमारे एक विषय कि हम अपने इस राष्ट्र कार्य को समाज के कार्य को योग के कार्य को कैसे आगे बढ़ाएं। तो जो व्यक्ति अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए कटिबद्ध होता है उसको परमात्मा की कृपा दृष्टि स्वयं ही मिल जाती है, उसको गुरु की कृपा मिल जाती है। देखो जीवन में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, सबसे पहली ये बात हमको समझनी चाहिए। बस जिए जा रहे हैं जिए जा रहे हैं, सुख दुख के घूंट पिए जा रहे हैं, वैसे तो लोगों को सुख कम दुख ज्यादा मिलता है संसार में। जीवन क्या है, इस जीवन और जगत के प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है। जब इस बात को हम समझ लेंगे तो हमारा जीना और यहां से जाना दोनों सफल हो जाएगा। संसार में कोई व्यक्ति अमृत पान करके नहीं आया, आया है क्या? कितने बड़े बड़े विद्वान, कितने बड़े बड़े धर्मात्मा, कितने बड़े बड़े विद्वान और धन से संपत्ति से यश कीर्ति से जो है आपूरित होकर के आप्लावित होकर के जिन्होंने अपने जीवन को ऐसा जिया कि हजारों लाखों लोगों को एक शब्द में या एक इशारे में अपने कदमों के नीचे रखते थे, लेकिन उनका भी जीवन शेष नहीं रहा। जिनको लोग बहुत बड़ी बड़ी पदवी देते थे कि ये तो भगवान हैं, ये तो अवतार हैं, वो भी इस संसार में जब आए थे तो उनको इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ा, इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ के जाना पड़ा, है कि नहीं? तो एक बात तो स्पष्ट है कि जो आया है उसको जाना है। फिर सफल कैसे हो जीवन? कोई सफलता का बहुत बड़ा मानक या उसका जो है एक परिधि तय करता है कि आप बहुत बड़े धनवान हो जाओ तो आपका जीना सफल है, तो ये तो बात ये उचित नहीं है। बहुत बड़े धनवान व्यक्ति हैं लेकिन उनके अंदर हृदय नहीं, उनके अंदर संवेदना नहीं, उनके अंदर मनुष्यता नहीं, उनके अंदर प्रीति नहीं, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं, ऐसा धनवान किस काम का? बोले नहीं, तुम जो है बहुत बड़े विद्वान हो जाओ, विद्वान तो हो गए, बड़े बड़े जो है मंचों से बड़े
बोल बोलना, बातें करना, लेकिन जीवन को हम देखते हैं तो उसमें यथार्थता नहीं। तो बोले नहीं, कहने के लिए बोला जाता है लेकिन इसको जीने के लिए तो कोई आवश्यक नहीं है। तो वो जीवन भी निरर्थक है जिस जीवन में ज्ञान भी हो और उसका जीवन में आधान ना हो, तो ऐसा जीवन किस काम का। हमारे ऋषियों ने चार उद्देश्य इस पूरे जीवन को जीने के लिए बताए, चार उद्देश्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं, अर्थात धर्म पूर्वक अपने कर्म को करना। धर्म क्या है? धर्म एक ही है और वो है सनातन। यदि हम धर्म की परिभाषा देते हैं तो संसार में कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो जिसको लोग आज धर्म कहते हैं, वो धर्म नहीं है, वो रिलीजन है, वो मत है, वो पंथ है, वो समुदाय है। और इन जो समुदाय या जो है जो छोटे छोटे समूह होते हैं, इनका भाव संकीर्ण होता है, इनका भाव सार्वभौमिक नहीं होता, इनका भाव सार्वकालिक नहीं होता, सर्वजन हिताय नहीं होता। लेकिन जो सच्चा धर्म होता है, जो सदा रहने वाला होता है, वो सबके लिए कल्याणकारी होता है, वही सनातन धर्म कहलाता है। अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी भारतीय ऋषि परंपरा, अपना जो स्वकर्म है, स्वधर्म है, वास्तव में वही जीवन और जगत को कल्याण से आपूरित करने वाला है। हम ये बात कहते हैं, संसार में कोई देश नहीं करता, कोई समुदाय नहीं करता, कोई संप्रदाय नहीं करता। हम ही सनातन को मानने वाले लोग कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख। किसी की बात इसमें ऐसा अलग से उसको अलग कर दिया, ऐसा नहीं कहा। वो चाहे शत्रु हो या मित्र हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, रशियन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे चीटी हो, चाहे हाथी हो, जिसने भी प्राण धारण किए हैं वो क्या हो? सुखी हो। ऐसा नहीं कहा कि भारतीय सुखी हो, कहा है क्या? ये नहीं कहा कि अमेरिकन सुखी हो, ये नहीं कहा स्त्री सुखी हो, ये नहीं कहा पुरुष सुखी हो, ये नहीं कहा मनुष्य सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। जिसने भी जीवन पाया है, इस संसार में आया है जो, वो सब सुखी हो। और सर्वे संतु निरामया, जिसकी आप सेवा करते हैं, ये बहुत बड़ी सेवा है, ये सच्ची मानवता की सेवा है। और ये बड़ा हर्ष है कि इस यशस्वी धर्मनगरी में, इस पीपाड़ शहर में आप इतनी संख्या में 1 मई से 25 मई के इस योग अनुष्ठान में एकात्म है। जितने आप भाई बहन इसमें एकात्म हो रहे हैं, ये केवल एक ऐसा भाव 25 दिन का नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने का है, आपके विचार को बदलने का है, आपके आहार को बदलने का है, आपके संस्कार को बदलने का है। ये अनुष्ठान आपके जीवन के अमूल चूल परिवर्तन के लिए है। ये ज्ञान और विज्ञान, ये प्रज्ञान आपके उद्धार के लिए है, इस संसार के उद्धार के लिए। इसलिए ये प्रशिक्षण नहीं है, ये प्रशिक्षण कम है, लेकिन जीवन की और जगत की रक्षा सुरक्षा के लिए एक कवच तैयार करने का काम हो रहा है। इस महान कार्य को जो परम पूज योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने जन जन तक इस कल्याण को पहुंचाने के लिए कार्य किया है, वही कार्य इस भूमि ने, इस भारत माता ने, जो हजारों लाखों करोड़ों ऋषि मुनियों को जिन्होंने जन्म दिया और जगत के कल्याण के लिए कार्य किया, वही कार्य इस भारत मां की कोख को और इस पूरे भारत वर्ष की ऋषि परंपरा को धन्य करने के लिए योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज पल पल उसको जीते हैं। हमारा भी ऐसा सामर्थ्य हो। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मैं आपको
अपना शिष्य नहीं बनाता, वो शिष्य जो आजकल लोग बनाते हैं, वो शिष्य नहीं बनाता कि अपना गुरु मंत्र दे दिया और शिष्य बन गए, और ये नहीं। मैं तो आपको अपना प्रतिरूप बनाता हूं, जैसा मैं जीता हूं वैसा जियो, जैसा मैं करता हूं वैसा करो। तो ये जो अनुष्ठान है ये कंप्लीट बैलेंस का अनुष्ठान है, कंप्लीट रिजुग्नेशन का ये कार्य चल रहा है, कंप्लीट सेल्फ मोटिवेशन का कार्य चल रहा है, ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य चल रहा है। याद रखना, अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जिसने इस संसार के, इस मानवता को अपने मूल में रख करके कार्य किया है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। नहीं तो धन्य क्या, निधन तो सबको होता है, निधन होता है कि नहीं होता? धन्य वही होता है जो संसार की सेवा में अपने आप को लगाता है, निर्माण में लगाता है। इसलिए भाई बहनों, इस योग को घर घर पहुंचाने का संकल्प लेना है, ये सनातन परंपरा को घर घर पहुंचाने का कार्य करना है, यही हमारा स्वधर्म है, यही हमारा स्वकर्म है। जो भी व्यक्ति आपसे योग सीखेगा, वो केवल आपसे अनुलोम विलोम नहीं सीखेगा, वो आपसे केवल कपाल भाती नहीं सीखेगा। याद रखना, जिसको भी आपने योग सिखाया है और जब वो योग को जीने लगेगा तो उसके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है, इतना बड़ा पुण्य का कार्य आप करेंगे। यद्यपि आज के समय में लोगों ने योग को भी अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया है और वो आर्थिक समृद्धि का भी एक उपाय हुआ है, ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन ये सबसे बड़ा उपकार का कार्य आपका होगा कि कम से कम 2 घंटे योग कक्षा आपको लगाना है और उसमें निशुल्क लगाना है, लोगों के उपकार के, उपचार के, उद्धार के लिए लगाना है। क्योंकि यदि हम धन और समृद्धि के लिए लगाते हैं, आर्थिक समृद्धि यश कीर्ति के लिए लगाते हैं, तो वो धन वो समृद्धि साथ में जाने वाली नहीं है, क्योंकि वो मूल में आपने पैसा, आपने अर्थ रखा है। यद्यपि अर्थ के बिना सारा मामला व्यर्थ है, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, लेकिन अर्थ भी धर्म पूर्वक हो। तो कम से कम दिन में जो भी आपको करना हो, दिन भर अपना योग अनुष्ठान जो स्वकर्म है स्वधर्म करना, लेकिन एक योग कक्षा अनिवार्य रूप से, जब आप यहाँ 25 दिन का प्रशिक्षण लेंगे तो आने वाले समय में आपको हरिद्वार भी बुलाएंगे और 4 दिन 5 दिन उधर रखेंगे आपको, वहां गुरुदेव का दर्शन भी होगा और वहां अतिरिक्त आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वो जैसे ही अनुकूलता आएगी, आदरणीय भगवान जी आपको बता देंगे, हमारी राज्य की टीम यहाँ है वो बता देगी। लेकिन एक जो मैं बात कह रहा हूँ, जो बीज बो रहा हूँ आपके हृदय में, और आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, तो इस पीड़ा के कारण मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। यदि ये पीड़ा मेरे अंदर न होती तो शायद मैं परमार्थ देव न बन पाता, स्वार्थ देव होता। आज क्यों परमार्थ देव बना? इसलिए कि मैंने बचपन से इस बात को संकल्पित होकर के जीवन जीने का जो है प्रयास किया कि अपने लिए, अपनों के लिए सब जीते हैं, और पता नहीं कब किसका काल आ जाए। एक तो कॉल आती है यहां से, फोन से आती कॉल, और एक कॉल ऊपर से आती है, बुलावा आता है ना, तो बुलावा आता है तो कोई माई कलाल बच नहीं सकता। हजारों लाखों व्यक्तियों की मृत्यु 1 मिनट में होती रोज, पूरे संसार में 1 मिनट में लाखों लोगों की मृत्यु होती, होती कि नहीं होती, लाखों का जन्म भी होता है, लेकिन उनका जन्म, उनका जीना और उनका जाना, यदि संसार ने नहीं जाना तो उनका जीना व्यर्थ है। उनका जीना और उनका जाना धन्य हो जाए, उनका संपूर्ण अस्तित्व धन्य हो जाए, इसके लिए कुछ करके जाना है, कुछ कमाई करके जाना है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए, सेवार्थ के लिए, उपकार के लिए कुछ करना है।
अगर आपने किसी को थोड़ा सा योग सिखाया तो वो योग उसके जीवन की सबसे बड़ी धरोहर हो जाती है। आप उसके परिवार को उन्नत बना देते हैं, उसके घर परिवार में कोई नशा नहीं करेगा, कितनी बड़ी बात है। मुझको इधर पता चला कि कुछ लोग नशा करते हैं, कुछ लोग अफीम का नशा करते हैं। बोले कि विवाह हो, कोई जो है उत्सव हो, तो इसके बिना काम नहीं चलता है। तो ये जो नशा है, ये हमारी संस्कृति को, हमारी समृद्धि को, हमारे घर परिवार को ये गर्त की ओर ले जा रही है। तो जो भी व्यक्ति योग करेगा, उसका आहार शुद्ध हो जाएगा, उसका विचार शुद्ध हो जाएगा, उसका संस्कार व्यवहार शुद्ध हो जाएगा। तो योग की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। वो चरित्रवान बनेगा, वो बलवान बनेगा, वो बुद्धिमान बनेगा, वो धनवान बनेगा, वो हर प्रकार से धीमान बनेगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। इतनी बड़ी सेवा के लिए आप तैयार हो रहे हैं। इस संसार का नियम है कि जो कुछ हम इस संसार से लेते हैं उसको देना पड़ता है, देते कि नहीं, बोलिए ना, देना पड़ता है, हिसाब चुकाना पड़ता है। आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में देना पड़ेगा। ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, उसको देना पड़ता है। इसलिए हम देवता बन जाएं, देने का कार्य करें। जो कुछ भी धरती माता ने, जो कुछ भी भारत माता ने, जो कुछ भी हमारे माता पिता गुरुजनों ने हमको दिया है, उसको बांटना, और हजारों गुना लाखों गुना बांटेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, देवता बन जाएंगे, देवत्व से युक्त हो जाएंगे। नहीं तो क्या बनेंगे, लेवता। तो देवता बनना है कि लेवता, आपको संकल्प करना है। क्या बनेंगे, तो देवी देवता बन करके देने का कार्य करना है। वेद भी कहता है, देही में ददामिते, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा, ये ईश्वर का आदेश है। यदि आप निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करोगे तो परमात्मा आपको, यदि आपने थोड़ा भी लगाया तो वो बहुत देगा, बहुत देगा वो। यहाँ आप देख लीजिए, जो संकल्प, जो शक्ति आप सबके अंदर कार्य कर रही है। देश और दुनिया ने कभी कल्पना की थी आज से 30-40 वर्ष पहले कि कोई योग करेगा, इतने हजारों लाखों की संख्या में कोई योग करेगा, कल्पना की थी? पूरा संसार 21 जून को योग करेगा, किसी ने कल्पना की थी क्या? किसी ने कल्पना नहीं की थी। उस अकल्पनीय अवर्णनीय कार्य को परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने करके दिखाया है। हजारों हजारों समस्याओं को, हजारों लाखों लोगों के प्रतिकार को, आसुरी शक्तियों को उन्होंने पराजित किया है। और आज भी आप देख ले कि आसुरी शक्ति अपना काम कर रही है, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर की, गुरुजनों की और सभी दैवी आत्माओं की जो शक्ति होती है वो सच्चाई के साथ होती है, अच्छाई के साथ होती है, साच को कभी भी आंच नहीं आती है। उसका विधान है ये, उसका संविधान है। इसलिए आप इस परम ज्ञान को, परम विज्ञान को जब घर घर पहुंचाएंगे, आप लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे, तो याद रखना कि परम पूज्य जो गुरुदेव कहते हैं कि आप मेरे प्रतिरूप हैं, तो आप उनके लिए स्वयं साक्षात स्वामी जी के स्वरूप में उनकी सेवा करोगे, तो ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर परिवार के लिए बहुत पुण्य होगा। इससे बढ़कर कुछ पुण्य हो नहीं सकता है। करना सेवा सत्कार करना, दूसरों से प्यार करना, लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार करना, दूसरों से प्यार करना, सेवा करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे, हो लेके जग से बुराई मत जाना रे।
करना सेवा सत्कार, करना सेवा सत्कार, लेके जग से बुराई मत जाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। तो संसार में ऐसा कर्म करें कि लोग आपको युगो युगों तक याद करें। ये एक दिन की घटना नहीं है, आपको निरंतर इसमें लगना पड़ेगा और एक संकल्प करना पड़ेगा कि अपनी ऋषि परंपरा को, सनातन परंपरा को, अपने सच्चे और अच्छे धर्म का पालन करना है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, पर धर्म भयावह। अपने निज कर्तव्य में, अपने निज स्वधर्म में, स्वकर्म में मरना स्वर्ग के समान है। दूसरों के धर्म या दूसरों के जो अनधिकृत कष्ट या जो अपने अनधिकृत चीजें हैं उनमें हमको कभी नहीं जाना। अपने स्वाभिमान का, अपने स्वावलंबन का, आत्म गौरव के साथ जीना, यह हम सबका परम कर्तव्य है। इसलिए रोज एक संकल्प लेना कि 2 घंटे योग करना और कराना है। इसी से संपूर्ण दुखों का, संपूर्ण कष्टों का जो है हम भवपार हो जाएंगे, सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे, सारे संकट कट जाएंगे, सारे अंधकार के बादल छट जाएंगे। और एक संकल्प जो हमको गुरु ने दिया है कि अपने भारत वर्ष को पुनः हमको विश्व गुरु बनाना है। ये भारत वर्ष सदा से ही, जब से सृष्टि बनी है तब से, इसका बाल बांका कोई नहीं कर पाया। सैकड़ों हजारों वर्ष की गुलामियों ने और अत्याचारों ने इसको चकनाचूर करने का कार्य किया है, लेकिन कुछ बात तो जरूर है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, मिटती नहीं हस्ती हमारी। जब तक सनातन धर्म रहेगा, जब तक सनातन धर्म रहेगा, जब तक योग यज्ञ वेद उपनिषद दर्शन रहेंगे, जब तक एक व्यक्ति भी वैदिक धर्म का पालन करने वाला इस धरा पर जीवित है, भारत वर्ष कभी न मिटेगा, न कभी झुकेगा, न कभी रुकेगा। इसलिए भारत वर्ष की हम संतान हैं, हम भारत वर्ष की संतान हैं, और हमको ऐसा कर्म करना है कि हम रहे ना रहे, यह देश रहना चाहिए, यह देश रहना चाहिए। कि फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए, लाख बाधाएं आए तो कुछ गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। ये वतन, जब छोटे बच्चे होते हैं विद्यालय में, जब हम पढ़ते थे तो उद्घोष लगाते थे, जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा कौन करेंगे, कौन करेंगे, कौन करेंगे। तो क्या बोलते थे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, जीवन से करेंगे। तो ये बातें याद रखना, तन से करना है, मन से करना है, धन से करना है, संपूर्ण जीवन भी देना पड़े तो संपूर्ण जीवन से करना है, तब भारत वर्ष युग विश्व गुरु बनेगा। तो बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत आशीर्वाद है। 4 दिन का यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ करना है, केवल आज क्योंकि आदरणीय भगवान जी ने कहा कि आपको कुछ अलग से मिलकर के चर्चा करनी है, तो आपके अंदर वो शक्ति, वो सामर्थ्य गुरु ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, इसको आप करेंगे तो सदा स्वस्थ रहेंगे, सदा मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, आत्मस्थ रहेंगे। मस्ती में है तो हंसती है, नहीं तो बाकी सब जबरदस्ती है। तो जबरदस्ती में तो है नहीं कोई, आप सबके हृदय ऐसे पवित्रता से, समरसता से, सहजता से, प्रसन्नता से, ममत्व से, समत्व से, एकत्व से युक्त हो, तो निःसंदेह ये भारत वर्ष पुनः विश्व गुरु बनेगा। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आप